हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जनरल मैथ से संबंधित ढेर सारे टॉपिक आपको मिलते रहें। तो इसके पहले के वीडियो क्लिप में हमने आपको वर्गमूल पर आधारित कुछ क्वेश्चन को दिया था। आज फिर उसी वर्गमूल पर आधारित कुछ और क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपके SSC, बैंक, रेलवे तथा अन्य वन डे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, 1152 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। एक संख्या है 1152 और इसमें हमको जानना है कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। कोई संख्या दी हो और पूछा जाए आपसे कि किस संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए या किस संख्या से भाग दें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ऐसी स्थिति में जो संख्या दी रहती है उसका हम गुणनखंड विधि से खंडन कर देते हैं। जैसे हमारे पास 1152 संख्या दी गई है और पूछा गया है कि इसमें किस संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसका हम क्या करेंगे, खंडन करेंगे। खंडन करने के लिए हम इस तरह से भाग देना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाता है 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर 2 से भाग देते हैं, ये 18 हो जाता है और 2 से भाग देते हैं, ये 9 हो जाता है। फिर ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से भाग देंगे, 3 3 का 9 होगा। फिर 3 से भाग देंगे, 1 हो जाएगा। ये हमारा हो गया खंडन। अब इसको हम लिख सकते हैं, 1152 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ये हमारा इसका खंडन हो गया। अब चूंकि ये वर्गमूल निकालने के लिए हम जोड़ा बनाते हैं, तो जिस तरह से वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाएंगे उस तरह से इसमें बनाएंगे। तो ये हो गया 2 × 2, 1 जोड़ा, फिर ये 1 जोड़ा, फिर ये 1 जोड़ा, फिर ये 1 जोड़ा, ये बच गया। अब चूंकि हमको गुणा करना है तो इसमें गुणा करके हम जोड़ा बनाएंगे, और अगर भाग देना होता तो भाग दे करके हम जोड़े को कंप्लीट करते। तो ये 2 अकेले बचा है, इसमें 2 से हम अगर गुणा कर दें, 2 × 2 कर दें तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। अब जब जोड़ा बन गया तो इसका वर्गमूल निकल सकता है। तो किससे हमको गुणा करना पड़ा, 2 से गुणा करना पड़ा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि अगर इस संख्या में 2 से गुणा कर दें तो ये संख्या पूरी की पूरी संख्या वर्ग बन जाएगी। जैसे अब हम चेक कर लेते हैं, 1152 है और इसमें 2 से गुणा करते हैं तो हो जाता है 4 0 और 3 और 2, 2304 हो गया। और 2304 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें 2 से गुणा किया है तो ये भी जोड़ा बन गया। तो यहाँ से 2 ले लिए, यहाँ से भी 2 ले लिए, यहाँ से 2 ले लिए और यहाँ से भी 2 ले लिए, क्योंकि गुणा करके ये भी जोड़ा बना लिए हैं, 2 ले लिए और यहाँ से 1 जोड़ा है तो 3 ले लिए। क्या हो गया, 2 × 4 × 8 × 16 × 48, ये इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 48 आ जाएगा। ये इस तरह से तो क्या किया हमने, 2 से गुणा करके ज्ञात कर लिया कि ये अपूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका आशय है कि इस संख्या में 2 से हमको मल्टीप्लाई करना है। ये तो हो गया पूरी लंबी विधि, जिसके सहयोग से हम जान लिए कि हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसमें क्या किया हमने, जो संख्या दी गई थी उसका हमने गुणनखंड विधि से खंडन कर दिया और हम जोड़ा बनाने लगे। हमारे सवाल में पूछा गया किससे गुणा करें, तो हम गुणा करके, अगर जोड़ा बन गया है तब तो ठीक है, जोड़ा नहीं बना है तो गुणा करके कंप्लीट करेंगे जोड़ा, और जितने से गुणा करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी में अगर इसको आसानी से करना हो या कम समय में करना हो तो 1152 है, इसमें 2 से गुणा करके चेक कर लिए कि ये वर्ग बनता है कि नहीं। अब चेक करने पर, चेक करने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि अगर ये 2304 बन गया तो 2304 किसी का वर्ग है कि नहीं है।
और हमको अगर मालूम है कि 48 का वर्ग है और किससे गुणा करना पड़ा, 2 से गुणा करना पड़ा, तो ये हमारा आंसर 2 हो गया। तो इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस संख्या का कौन सी संख्या वर्ग है, जिसको हमने एक टेबल दिया था उसमें बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल 11 से लेकर के 50 तक था। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं कि इस संख्या में 2 से गुणा किए, अगर पूर्ण वर्ग बन जाता है तो 2 आंसर हो जाएगा, 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनता है तो 3 आंसर हो जाएगा, 4 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनता है तो 4 आंसर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं टेक एंड ट्रायल मेथड, कोई संख्या लिए हम उसका गुणा करके ट्रायल कर लिए कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर दूसरी संख्या लिए उससे गुणा करके ट्रायल किए कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो ये टेक एंड ट्रायल मेथड है जिसमें आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सी संख्या किस संख्या का वर्ग है। जैसे अगर हम 2 से गुणा की और हमको ये संख्या मिल गई, अगर हमको ये मालूम है कि 2304 48 का वर्ग है तो हम कहेंगे ये पूर्ण वर्ग बन गया और 2 से हमने गुणा किया, यानी 2 हमारा आंसर हो गया। अगर हमको नहीं मालूम है कि 2304 किसका वर्ग है तो फिर हमको यहीं गुणनखंड विधि से खंडन करना पड़ेगा। तो अगर हम ढेर सारी संख्याओं का वर्ग बाय प्रैक्टिस याद किए हों तो इसको आसानी से इस तरह से कर सकते हैं, अन्यथा आप गुणनखंड विधि से उसको करेंगे। दूसरा सवाल हमारा है कि 5808 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। संख्या क्या दिया है, 5808 दिया है और ज्ञात करना है कि इसमें किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें कि यह क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको भी वही गुणनखंड विधि से पहले खंडन करेंगे। तो खंडन करने के लिए सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग दिया हमारा, 2 दूना 4, 2 नौ 18, 2 सुनाए 0 और 2 चौके 8। फिर 2 से भाग दिया, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग दिया, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग दिया, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। अब 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम 3 से देखेंगे, तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3। अब ये 121 है, 121 केवल और केवल 11 से कटेगा, क्या हो गया, 11 से भाग दिया, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, फिर 11 से भाग दिया, एक बार हो गया। तो ये हमारा हो गया खंडन। अब खंडन में हम क्या करेंगे, 2808 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। फिर वही जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बना, दो जोड़ा बना, तीन जोड़ा बना, ये 3 बाकी रह गया। तो हमको यहाँ पर याद करना है किस संख्या से भाग दें। तो भाग देने के लिए अगर 3 से भाग दे दी, 3 से भाग दे तो ये जोड़ा बन जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 3 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो किस संख्या से भाग दे अगर स्टेटमेंट में होता है तो खंडन करने के बाद जो संख्या जोड़े के अतिरिक्त बचती है उस संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे यहाँ पर जोड़ा बन गया इसका, यहाँ पर जोड़ा बन गया इसका, यहाँ पर जोड़ा बन गया इसका, ये अतिरिक्त बचा हुआ है तो इसी संख्या से क्या करेंगे, हम भाग देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो क्या किया, फिर वहीं हमने खंडन किया इसका, खंडन करके हमने जोड़ा बनाया, जोड़ा बनाने के बाद जोड़ा बनने के अतिरिक्त जो संख्या बच रही है वही हमारा आंसर हो जाता है। इसमें भी आप टेक एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। जैसे पहले हमने 2 से भाग दिया तो ये आ गया, अब ये किसी का वर्ग नहीं है, अगर आपको मालूम है तब तो ठीक ठीक है, नहीं मालूम है तो फिर यही गुणनखंड मेथड करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 से भाग दिए, ये पूर्ण वर्ग नहीं बना, 3 से भाग देते हैं 5808, 3 से भाग देते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है, ये 1936 आ गया, 1936 वर्ग है 44 का, यानी 3 से भाग देने पर ये 1936 आया, और 1936 अगर वर्ग है 44 का, इसका मतलब है कि 3 से भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग बन जा रहा। तो या तो गुणनखंड विधि से पूरा प्रोसेस लगा कर करें, या तो आपको मालूम हो ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं का वर्ग तो आप टेक एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। पहले 2 से भाग दिया, पूर्ण वर्ग नहीं बना, फिर 3 से भाग दिया, देख लिए पूर्ण वर्ग बन गया, तो यहाँ पर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये गुणनखंड विधि से या फिर टेक एंड ट्रायल मेथड से इस तरह के सवाल करते हैं जिसमें अक्सर करके स्टेटमेंट होता है कि अमुक संख्या में
छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा करें या छोटी से छोटी किस संख्या से भाग दें, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो गुणा करने वाली संख्या में हम गुणा करके जोड़ा बना लेते हैं और जिस संख्या से गुणा करना पड़ता है वही हमारा आंसर हो जाता है। और भाग विधि में भाग दे करके हम जोड़ा बनाते हैं और जिस संख्या से भाग देना होता है वही संख्या हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आगे तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि 2121 में किस छोटी से छोटी संख्या को घटाएं कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। एक संख्या है 2121 संख्या है और पूछा जा रहा है किस छोटी से छोटी संख्या को घटाएं कि यह क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर आपको अंदाजा है कि 2121 से छोटी कोई संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा। जैसे हमको मालूम है कि 2116 46 का वर्ग है, तो अब 2116 को हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो यही 5 अगर इस संख्या से घटा दिया जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, 2116 जो पूर्ण वर्ग है। तो इसके लिए फिर आपको देखना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो जब घटाने की बात आती है कि अमुक संख्या में किस संख्या को घटाएं कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 2121 से कम जो छोटी संख्या होगी इसका वर्गमूल आपको मालूम होना चाहिए। तो 2121 से छोटी संख्या जो 2116 है ये 46 का वर्ग है, तो ऐसी स्थिति में 2121 से 2116 माइनस कर देंगे, ये हमारा 5 आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस तरह का अंदाजा नहीं है, मान लीजिए आपको वर्ग उस समय नहीं याद है या वर्गमूल नहीं ज्ञात है, तो आप इसको भाग विधि से करेंगे। किस विधि से करेंगे, भाग विधि से। जैसे 2121 है और इसको हम भाग विधि से करने जा रहे हैं, तो इधर दो संख्या का जोड़ा बनाए, इधर दो संख्या का जोड़ा बनाए, इसको हम पहले भी बता चुके हैं। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लेते हैं कि उस संख्या का उतने ही बार टेबल पढ़ते हैं लेकिन 21 से कम रहे। अगर 3 लेते हैं तो 3 × 9 पढ़ते हैं, 21 से बहुत कम हो गया। 4 लेते हैं, 4 × 16 पढ़ते हैं, 16 आ गया। 5 लेते हैं तो 5 × 25 पढ़ते हैं, तो 21 से ज़्यादा हो गया। तो 5 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो 4 × 16 क्या हो गया, 16 हो गया, ये 5 बचा, ये कैंसिल हो गया। और 4 में 4 जोड़ते हैं, भाग विधि में क्या बताए थे कि जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उसको इसमें जोड़ लेते हैं, तो 8 हो गया। अब ये हमारा 21 उतार लिए, यहाँ से एक अंक छोड़ते हैं और 52 के लिए टेबल पढ़ते हैं 8 का, जितनी बार पढ़ते हैं वो संख्या यहाँ भी लिखते हैं यहाँ भी लिखते हैं, तो 8 × 6 = 48 6, और ये 6 हो गया। तो क्या हो गया, 6 × 6 = 36 और 8 × 6 = 48 = 51, रिमाइंडर क्या बच गया, 5। तो यही रिमाइंडर क्या होता है, आपका आंसर होता है। तो इस 2121 में से इस 5 को अगर माइनस करें तो 2116 आएगा, जो कि पूर्ण वर्ग है किसका, 46 का। तो हमारा आंसर हो गया कि हम 5 अगर घटाएंगे तो हमारा जो है संख्या जो मिलेगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो क्या किया हमने, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास किया, जो रिमाइंडर आया, जो शेष अंत में आया, उस शेष को हम क्या करेंगे, इस संख्या में से माइनस कर देंगे, तो क्या हमारा बन गया आएगा 2116 और ये पूर्ण वर्ग है। तो ये हमारा हो गया तीसरा सवाल। चौथे सवाल में बिल्कुल इसी तरह का होता है, लेकिन उसमें पूछा जाता है किस छोटी सी छोटी संख्या को जोड़ दे। तो सवाल है कि 2494 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। संख्या क्या है, 2494। फिर वही गेस करेंगे, यहां पर जोड़ने की बात है तो जोड़ने से स्वाभाविक सी बात है कि इससे ज्यादा संख्या आएगी, तो हम देखेंगे कि इसके समीप इससे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। तो 2494 से बड़ी संख्या है 2500, और 2500 क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो इस 2500 में से इस 2494 को माइनस कर देंगे, 2500 में से 2494 को माइनस कर दिया, 6 आपका आंसर बन के आ गया। क्या किया हमने, सवाल था कि इस 2494 में किस छोटी सी छोटी संख्या को जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें हम किसी संख्या को जोड़ना चाहेंगे ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जोड़ने के लिए अगर जोड़ेंगे तो ये संख्या इससे बड़ी होगी,
तो हम इससे बड़ी संख्या को लेकर के गेस करते हैं कि कौन सी संख्या इसके समीप है लेकिन इससे बड़ी है जो पूर्ण वर्ग में है। तो 2494 से बड़ी संख्या 2500 है जो पूर्ण वर्ग में है, और इस 2500 में इस 2494 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये 6 जो होगा वो हमारा आंसर बन के आएगा। मान लेते हैं कि आपको नहीं गेस है कि इससे बड़ी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो आप फिर वही भाग विधि लगाएंगे, 2494 भाग विधि, क्या किए हम, 4 चौका 16 और 4 में 4 जोड़े 8 और यहाँ बचा 8। ये अब यहाँ 94 उतार लिए, एक संख्या छोड़े और इससे हम फिर 89 भाग लेना शुरू किए। तो चलिए 9 बार ले जाते हैं, तो 9 9 81 और 9 8 72 72 8 80, ये 93 बचा से। अब यहाँ पर और वर्गमूल निकालने के लिए दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, तो दशमलव बढ़ा के वर्गमूल नहीं निकालेंगे बल्कि 49 से बड़ी संख्या जो आएगी 50 इसका वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, और इस 2500 में से 2494 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यही 6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या किया हमने, भाग विधि से जो संख्या दी गई है इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास किया, और निकालते निकालते जब हम दशमलव पर पहुंचे तो यहीं पर छोड़ दिए, और इस 49 पॉइंट कुछ आता हमारा, तो 49 से बड़ी संख्या क्या होगी, 50 होगी, और 50 का हमने क्या कर लिया, वर्ग कर लिया, और जो वर्ग आया है 2500 उसमें से क्या किया, 2494 माइनस कर दिया, जो आंसर आया वो क्या हो गया, वही हमारा आंसर हो गया। तो या तो गेस विधि से, टेक एंड ट्रायल मेथड से हम क्या किए, 2494 से बड़ी संख्या कोई देखते हैं जो पूर्ण वर्ग हो, तो 2494 से बड़ी संख्या 2500 है, 2500 पूर्ण वर्ग है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है कि 2500 में से 2494 माइनस कर दिए, क्या आ गया, 6 आ गया, वही 6 आंसर हो गया। अगर आपको नहीं गेस हो रहा है तो आप क्या करेंगे, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब दशमलव बढ़ाना होगा तो वहीं पर रोक देंगे, और 49 कुछ आया है तो इसको 50 मान के इसका वर्ग कर लेंगे, और क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, और 2500 में से 2494 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरह के सवाल आपके वनडे एग्जामों में, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, सब जगह पूछे जाते हैं, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। पहले दिन भी हम जब वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन को बता रहे थे तो उस दिन बताया कि कम से कम आप 11 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 10 तक तो सबको ही याद रहता है, 11 से लेकर के 50 तक, या कह लें कि 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का वर्ग आपको अगर याद हो तो वर्गमूल या वर्ग पर आधारित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कम समय में आसानी से हो जाते हैं। और अगर आपको वर्ग या वर्गमूल नहीं याद है तो भाग विधि से या गुणनखंड विधि से इस तरह के सवालों को आप करेंगे। आगे एक सवाल आपके पास है कि एक बाग में यदि 6 पेड़ और होते तो बाग में प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ होते जितने की पंक्तियाँ, यदि बाग में कुल 670 पेड़ हैं तो कुल कितनी पंक्तियाँ हैं। क्या है आपके सामने कि बाग में 670 पेड़ हैं और सवाल में कहा जा रहा है कि 6 पेड़ और होते तो 6 पेड़ और होते तो क्या हो जाता, 676 हो जाता, और जब 676 पेड़ हो जाता तो कह रहा है कि बाग में प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ होते जितने की पंक्तियाँ होती। तो इस तरह के सवाल हम इसके पहले करा चुके हैं। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए, मान लिया कि बाग में x पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं, x पंक्तियां हैं। अब जब 676 पेड़ हो गया है तो एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियां हैं, तो अगर एक पंक्ति में x पेड़ भी है और x पंक्तियां भी हैं तो कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, x into x = x² और कुल पेड़ों की संख्या आपको मालूम हो गई है 676 है, तो x² = क्या किए, 676 कर दिए, और x = क्या आ गया, इसका वर्गमूल 676 का, और ये हो गया 26, यानी 26 आंसर हो गया, 26 पंक्तियां उस बाग में है। तो इस सवाल में ये कहा गया कि एक बाग में यदि 6 पेड़ और होते तो बाग में प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ होते जितने की पंक्तियाँ होती, तो कह रहे हैं कि 6 पेड़ और होते तो 6 पेड़ हमने जोड़ करके कह लिया कि इतने पेड़ हो गए अब,
अब इतने पेड़ हो गए तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियाँ हैं, और कुल पेड़ कितने हैं 676। तो ये तुरंत एक्स स्क्वायर इक्वल टू 676 करेंगे, एक्स का मान जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके विपरीत एक सवाल है कि एक बाग में अगर 6 पेड़ कम होते, चलिए उसी सवाल को हम और लड़ते हैं, एक बाग में यदि 6 पेड़ कम होते तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ होते जितने की पंक्तियाँ, यदि बाग में कुल 682 पेड़ हैं तो कुल कितनी पंक्तियाँ हैं। कहा जा रहा है कि बाग में 682 पेड़ हैं, यदि 6 पेड़ कम होते तो 6 पेड़ कम होते तो कितने होते, 6 पेड़ कम कर दीजिए फिर आ जाता 676, यानी 676 पेड़ हैं। अब इस पेड़ की संख्या पर प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियाँ हैं, तो फिर वहीं एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या करती, 676 कर देते तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाता, 26 आंसर आ जाता। तो इस तरह के सवाल बनते हैं। एक सवाल और लेते हैं कि एक स्कूल में 435 बच्चे हैं, यदि 6 बच्चे और होते तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही बच्चे होते जितनी पंक्तियाँ होती, तो कितने बच्चे हैं 435। और कहा जा रहा है कि 6 बच्चे और होते तो 6 बच्चे और होते तो लीजिए जोड़ लिए क्या हो गया 441। अब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 441, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 21। ये आंसर हो गया आपका कि पंक्तियों की संख्या 21 है और प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे हैं 21 बच्चे हैं। और इसी सवाल को आप दूसरी तरह से करें, यदि किसी स्कूल में 6 बच्चे कम होते तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही बच्चे होते जितने की पंक्तियाँ, यदि स्कूल में कुल 447 बच्चे हों तो पंक्तियों की संख्या बताइए, तो 447 बच्चे हैं लेकिन कह रहे हैं कि 6 बच्चे कम होते तो 6 बच्चे माइनस कर दीजिए क्या हो गया 441 आ गया, और ये 441 को आप यक्स का स्क्वायर कर दीजिए एक्स स्क्वायर तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 21 आंसर हो गया आपका। तो इस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे, उसको आप करेंगे। एक और सवाल आपके पास है कि अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 तथा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 में से कौन सबसे बड़ी संख्या है, में से कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरह का सवाल अगर आप वर्गमूल निकालते हुए करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसको करने के लिए आप देखिए इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, सब 13 और 11 का अंतर 2, 7 और 5 का अंतर 2, 5 और 3 का अंतर 2। तो यदि इस तरह का जोड़ा बन रहा हो जिसमें दोनों का अंतर एक फिक्स संख्या आता हो, जैसे यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, तो जो सबसे छोटा जोड़ा होता है जैसे अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, ये सबसे छोटा जोड़ा है और यही क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी ये हो गई। इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 11 और अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7। अब इसमें सबसे बड़ी क्या होगी देख लीजिए आप, ये 4 का अंतर, 19 में से 15 गया 4, ये भी 4 का अंतर और ये भी 4 का अंतर। अब इसमें देखिए फिक्स अंतर है, तो अगर इन सब कपल्स में, इन सब जोड़े में कोई फिक्स अंतर हो तो ऐसी स्थिति में सबसे जो छोटा कपल होता है वही सबसे बड़ा हो जाता है, ये सबसे बड़ा हो गया। और अगर इसी सवाल में पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी क्या है, जो सबसे छोटा कपल है वो सबसे बड़ा हो गया, तो जो सबसे बड़ा कपल होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया सबसे छोटा, यहां पर ये क्या हो गया सबसे छोटा। और अगर इसको असेंडिंग डिसेंडिंग बदलना हो तो सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे छोटा ये हो गया, बीच में हो गया, तो क्या करेंगे, ये सबसे छोटा और ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, इसको भी इस तरह से करेंगे, ये सबसे छोटा फिर ये सबसे बड़ा और बीच में ये हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जिसको आप करेंगे। तो एक बार फिर हम बता रहे हैं कि मैथ
एक्सरसाइज का है, जितना ही ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतने ही ज़्यादा आप मजबूत होंगे। तो ज़्यादा ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि आप कम समय में अच्छा से अच्छा सवाल को कर सकें। तो आज जनरल मैथ में इतना ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में लेकर के आएंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।